अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, कैडबरी एंड पेप्सी। तो आज का शो हमारा बड़ा खास है और वो क्यों खास है मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। लेकिन जो वर्ल्ड T20 है उसका सुपर 12 शुरू हो चुका है, आज दो मैचेस थे और उस पर भी बात करेंगे। और कल का जो बड़ा मार्का है यानी कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, उस पर भी बात होगी अपने क्रिकेट एनालिस्ट के साथ और तफसील से बात होगी। लेकिन उससे पहले जरा आपको बताते चलें कि सूरत हाल क्या है इस वक्त। सूरत हाल ये है कि 500 की दौड़ में कल मेविश हयात ने इंजमामुल हक को हरा दिया है। स्कोर्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। इंजमामुल हक 407 पॉइंट्स पे थे, 407 उनका स्कोर था, जिसको कल मेविश हयात ने कॉम्प्रीहेंसिवली बीट किया है। 444 पर वो आ गई हैं और ऐसा लगता है कि उनका ये जो स्कोर है वो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आज जो हमारी मेहमान है किसी तारों की मोहताज नहीं है, बड़े सुपरहिट ड्रामे इन्होंने किए हैं, छाई रहती है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पर। और देखना यह है कि क्या 500 की दौड़ में वो ये मुकाबला जीत सकती है या नहीं। मेरे साथ आज मौजूद है हिरा मानी। कैसे शहजादा, बहुत बहुत शुक्रिया हिरा ज्वाइन करने के। सिद्धू भाई हमारे साथ मौजूद है और सोहेल तंदीर हमारे साथ मौजूद है। तो क्रिकेट पे हम कुछ देर में बात करेंगे, जरा 500 की दौड़ जी। अंडर प्रेशर कर दिया जैसे कल, ये बड़ा स्कोर है। हाँ, okay, मैं भी शायद का स्कोर बीट करना है 400। अगर स्कोर लग जाए तो फिर आपको पता है कि बड़ी बड़ी टीम्स जो है सुर भाई अंडर प्रेशर आ जाती हैं। तो कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ शहजादा, आप कैसे? अंडर प्रेशर तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारी पूरी आवाम बेचारी अंडर प्रेशर है, अब तो आदत ही हो गई अंडर प्रेशर रहने की। मगर बात सुने, घबराना नहीं है। हाँ घबराना नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है हमने सेम आज हमने कोऑर्डिनेट किया था कि हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे, मैं और सिक्कू भाई। एक तो देखें, आज हमने ये किया है कि आपको पहले से बिठाया हुआ है। हाँ। लास्ट टाइम आप हमारे सेट पे आई थी, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। जी, तो हमने कहा बिठा दें आपको, आज भी हो सकता था वो एक्सीडेंट लेकिन हाँ। बचत हो गई। तो आज हमने कहा कम से कम बिठा दें। आज भी एक्सीडेंट हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, असल में हो गया था। मतलब ये कुछ आप लोगों के सितारे नहीं मिल रहे हमारे स्टूडियो से। और बताएं बच्चे ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र। मानी ठीक है? मानी बिल्कुल जबरदस्त। प्यार दीजिएगा उनको? बिल्कुल दूंगी, और खुदा करे पाकिस्तान जीत जाए शहजाद, वरना मानी का जो हाल होता है ना, ये मैच ऐसा होता है कि मैं अगर मर भी रही हूँगी ना उस वक्त, तो वो पहले वो मैच पूरा देखेगा फिर मुझे जाके दफनाएगा। ये ऐसा सिचुएशन है मानी की। ये मेरे ख्याल से बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ है। और वो चाहता है कि मैं कहीं चली जाऊँ जब वो ये मैच देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ वो मुझे नहीं बर्दाश्त, बस इतनी सी मोहब्बत। ये मोहब्बत है मुल्क की मानी के अंदर, जो बीवी का क्रिकेट की। हाँ, तो ये बताइए, मैंने जब कहा कि प्यार दीजिएगा तो बच्चों के लिए कह रहा था मैं। अच्छा ओके, चलिए कोई बात नहीं। एनीवे ये बताइए कि कंपटीशन कौन है आपके इंडस्ट्री में? कोई भी नहीं, मतलब कंपटीशन हम इस तरह सोच के कोई भी इंडस्ट्री की, आपकी एक्टिंग के करीब भी नहीं आता इसलिए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हम एक्ट्रेसेस ऐसा सोचते नहीं है, वो शायद बाहर वालों को लगता होगा। अच्छा। बाहर वालों को ऐसा लगता होगा। अच्छा कोई कंपटीशन नहीं, हम अपने अपने सारे काम करते हैं, अपने काम में खुश हैं और दूसरे का काम देख के भी खुश होते हैं। तो मेविश हयात को एज एन एक्टर कहाँ पे रेट करते हैं? बहुत अच्छी एक्टर है वो, मतलब 1 में से 10 में से कितने नंबर देंगे? आई थिंक 10 में से 10 यार। और अपने आप को? 0। अच्छा बड़ी हम्बल है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है आपकी। तो खैर वो आपका कंपटीशन हो या ना हो हाँ, इंडस्ट्री में हाँ, लेकिन इस गेम में आपका मुकाबला उनसे है। चले सही है, मैं विश 444 पॉइंट, बड़ा बड़ी इंटेलिजेंट है जी जी, और उनके आप भी कम नहीं है। नहीं अच्छा, आपने अभी एहसन खान साहब के प्रोग्राम में कहा था कि जिस इंटेलिजेंट जितना इंटेलिजेंटली मैं खेल रही हूँ, मॉर्निंग शो होस्ट तो मैं नहीं करूंगी। तो उसका मतलब मॉर्निंग शो होस्ट का जो आईक्यू लेवल है वो कम होता है, हिरा मानी का ज्यादा है। नहीं मेरा आईक्यू लेवल तो बहुत ही कम है, जब भी तो कर लिया 3 साल। अभी हम बोल चल रहे हैं, लेकिन वहां पे आपने ये कहा था मेरे बारे में गलत खबरें लेकर आते आपने कहा था कि मेरा आईक्यू लेवल ज्यादा है, तो मैं नहीं, मेरा कोई आईक्यू लेवल नहीं है। चले गेम का आगाज करें। चले फॉर्मेट आपको पता है, 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम स्कोर आप कर सकती हैं 500, यानी कि हर सवाल का अगर आपने एक्यूरेट जवाब दिया जो आवाम का जवाब है तो आप पूरे 500 नंबर लेंगी हाँ। यानी कि हर सवाल के 100 मार्क्स, लेकिन अगर आपका आपका जवाब आवाम के जवाब से दूर होगा तो उतने ही नंबर आपके कट जाएंगे। मिसाल के तौर पे पहला सवाल उसका जवाब अगर आवाम की नजर में 50% है, आपने कहा 65% हाँ। तो 15% का जो गैप होगा वो आपके 100 नंबर से कट जाएगा। ऐसे ही गुड नाइस। पहला सवाल आपके लिए है कि कितने फीसद लोग पहली नजर के प्यार पर यकीन रखते हैं? कितने फीसद लोग हाँ। पहली नजर के प्यार पर यकीन रखते हैं? ये सवाल स्क्रीन पे भी आ चुका है। अब पाकिस्तानी आवाम को जरा अपने जहन में बैठाइए, उनके कमेंट्स आप पढ़ती रहती होंगी सोशल मीडिया पे, क्या लगता है आपको पाकिस्तानी आवाम का क्या जवाब होगा? आजकल की आवाम जो है ना, ऑब्वियसली मैं उन्हें पत्थर में जाके थोड़ी पूछा था उनसे, ये सर्वे अभी करवाया। आई थिंक अच्छा एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि जो सर्वे हमने करवाए उसमें
रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, मर्द, खवातीन, हर एज के मर्द और औरत शामिल। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, तो शहजाद आपने ये भी बताओ कि ये जो है पहली नजर लड़के की है या लड़की की? लड़की भी तो पहली नजर में लड़कियों का पहले लड़के ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। नहीं, मैं तो वही लड़की थी। हीरा की नजर मानी पे पड़ गई और हीरा को मोहब्बत हो गई, ये भी हो सकता है। मानी की नजर हीरा पे पड़ गई, मोहब्बत हो गई। आपकी नजर सोए तनवीर पे पड़ गई, मोहब्बत हो गई आपको, मतलब हो सकती है। नहीं, हमारी तो सिक्कू भाई तो भाई है ना, मोहब्बत इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है। जी जी, अच्छा भाई बताएं सिकू भाई क्या है, क्या सीन है? सिकू भाई कहते हैं कि नजर पड़ने से पहले मोहब्बत हो जाती है मुझे। नहीं, मैं तो इतनी जल्दी नहीं होती, कोई खुशबू आ जाए। अच्छा, कोई सांस भाई की आवाज के हिसाब से सो। नहीं, जो लड़के होते हैं ना, लड़के होते हैं उनको तो बहुत जल्दी होती है। अच्छा, हाँ, फौरन हो जाती है, एकदम से मैसेज कर देंगे, फूल आ जाएगा, गुलाब का एक दिल बना। चलिए सिकू भाई के हिसाब से मैं बोल देती हूँ, कितना बताए यार, 60 कर दो। चले 60%, आई थिंक 70%। पहली नजर में देख के हो जाता है प्यार। मोहब्बत की हम बात करें, मोहब्बत कितनी पहली नजर के प्यार पर, प्यार प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत इश्क इन्फैचुएशन नहीं, तो जैसे मैंने कहा सिकू भाई तो पहली नजर से पहले घर से निकलता हूँ ना, मोहब्बत करके निकलता हूँ। चलें जी, जवाब का वक्त आ गया। 60 हाँ, थोड़ा सा नीचे आ सकती है वैसे। मैं आ गई हूँ बस, अभी इतना ही ठीक है। ठीक है, नहीं मान रही सुनिए साहब, 60 मैंने तो 20 बोल दिए। 20 बोला आपने? ओए होए सुनिए साहब, आप तो चले जी, मुझे पता है, रोक दे है ना, चले बार को रोक दे, मीटर रुक जाए 60 पर, रोक दीजिए जी। हीरा का जवाब है 60%, वो समझती है कि 60% लोग समझते हैं के प्यार पहली नजर में हो सकता है, 60%। और फिर हम जाएंगे अवाम के जवाब की तरफ, रुक चुका है 60%, वो टेलीविजन पे रुक चुका है, और अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकती हैं कि बार जो है वो अप एंड डाउन जा रहा है, और अब देखना है कि ये कहाँ रुकता है। ये 100 पे गया, 60 पे आया, 10 पे चला गया, फिर ऊपर जा रहा है। मैं अपनी आवाम को जानती हूँ, मेरे ख्याल से कहना पड़ेगा रोक सको तो रोक लो, मेरी प्यारी सी आवाम, रोक सको तो रोक लो, तो शायद ये रुक जाए, वरना ये नहीं रुकता। ट्विटर पे इतना बड़ा वक्त जाया कर रहा था, मतलब ये तो चलता ही जा रहा है, इसका मूड ही नहीं आज जवाब देने का। ये क्या बात है यार, मेरे ख्याल से आप सुबह आ जाते हैं, सुबह तक दे देगा जवाब। मैच फिक्सिंग तो नहीं हो रही, जवाब सोचा जा रहा है लगता है अभी तक। देख लें, रुक गया है जवाब, जो है रुक गया है 36% पे, 36%। मैंने आपसे कहा था, देखें आपका जवाब काफी दूर है, यानी कि तकरीबन 24% दूर है, तो 76 इसमें आपको नंबर मिले हैं पहले सवाल में, बट स्टिल 4 questions टू गो, कुछ भी हो सकता है। चाय लीजिए, एंजॉय कीजिए, ऐसी चाय जिंदगी में नहीं पी होगी, चाय लीजिए। जय हो, जय हो। अरे अरे भाई, चाय लो चाय, ऐसे ऐसे। जय हो, 125 करोड़ देश का प्रधानमंत्री हूँ, चाय लेके आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं यार? दुबई जा रहा था मैच देखने के लिए, लेकिन सोचा यहाँ आपके यहाँ टॉयलेट अच्छे हैं, जरा इनका कोई सैंपल तो देख जाऊं, तो आया था टॉयलेट देखने के लिए। कुछ डिजाइन्स मुझे पसंद आए और कुछ नहीं आया। अभी हमारे हिंदुस्तान में आज भी सुबह सुबह आप खेतों में जाएं, इधर उधर चौथे पांचवें पौधे के पीछे से मुंह निकलता है, ओहो ओद्रो ओद्रो। हम आज भी बहुत पीछे हैं, हमने आगे जाना है, हमने आपको बीट करना है, कल हम आपको बीट कर रहे हैं, कल आप कैसे खाब देख रहे हैं मोदी साहब, कहाँ बीट कर रहे हैं, कैसे बीट कर लेना है? आपकी टीम ही नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है, आपके आपका आप मैथ्यू हिडन आपने कोच लगा दिया, कितने खिलाड़ी हैं जिनको अंग्रेजी बोलनी आती है, आई लव यू के बाद उनकी इंग्लिश खत्म हो जाती है। मोदी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, बच्चे अंग्रेजी भी बोल लेंगे और मैथ्यू हिडन उनको बड़े अच्छी तरीके से ट्रेन भी कर लेंगे। हाँ, उनके सर अंग्रेजी की भी एक वीडियो चल रही है जो उन्होंने तकरीर की थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और ये चाय पिलाने का धंधा कब से शुरू कर दिया आपने? ये तो मैं करता था, इसी बेस पे तो प्रधानमंत्री बना हूं। अरे तुम्हें पता ही नहीं, जाओ यार, मेरे ख्याल से वो बड़ा अच्छा काम था, वही करते रहते तो आपके देश के हालात आज बेहतर होते। देश के हालात बेहतर, कल जवाब मिल जाएगा हर सवाल का।
हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सोहेल तन्वी साहब, कोई चांस है इंडिया का, जरा बता दे मोदी साहब को। नहीं, वो कह तो रहे हैं जवाब मिल जाएगा, इनको जवाब मिलेगा ना, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मैथ्यू हेडन मुझे बताए ना, एक बंदा जिसके सर पे एक बाल नहीं, आपने उसको कोच लगा दिया। गंजा तो आ रहा है, गंजा वो सोचे ज्यादा, गंजा आ रहा हो तो लगता है जा रहा है। आपने इंटरप्ट कर दिया है, तो अगर आप माजरत तो आप हम गेम अपना कंप्लीट कर ले और आप वहां पे बैठे चुप करके थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इस पर मैंने भी एक कमेंट देना है। पहली नजर, लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा जी, किससे हुआ था आपका? आपकी भाभी से। भाभी है हमारी? मैंने छोड़ दी थी बाद में, मामला तो डिस्प्यूटेड है मेरे ख्याल से, छोड़ दी थी बाद में। मैं गया था कूड़ा फेंकने के लिए, चले कूड़ा फेंकने के लिए गया था, वो भी कूड़ा फेंकने आई हुई थी, नाइन मटक्का हो गया। मोदी साहब क्या अपनी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी मोहब्बत, मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं, लव एट फर्स्ट साइट था, क्योंकि आपकी तो लव मैरिज हुई है। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट। आपकी तरफ से, उनकी तरफ से? मेरी तरफ से था। आपकी तरफ से था, इसीलिए आपने 60% फैन थी ना, मैं फैन हूँ, बट लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, टीवी पे देख के हो गया था या जब रियलिटी में देखा था? नहीं, टीवी पे देखते ही हो गया था। हो गया था, वाओ, इसीलिए मेरे ख्याल से रियलिटी में डबल ट्रिपल और 10 गुना ज्यादा हो। इंटरेस्टिंग, तो 74 आपका स्कोर है, 444 थोड़ा सा दूर है। हाँ। अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, और ये सवाल बिल्कुल उसके बरक्स है। ये सवाल पूछते हुए मुझे आपसे बड़ा डर लग रहा है। अच्छा, क्यों, खैरियत? क्योंकि सवाल ये है कि कितने लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते। अच्छा, ये है सवाल। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी आवाम की इस पर क्या राय होगी? मोदी साहब को कल गुस्सा आएगा जब इनकी टीम हारेगी। माशाल्लाह से हमारे मुल्क के, हमारे लोगों के, तो अच्छा, सवाल बड़ा टेक्निकल है कि काबू नहीं रख सकते। हाँ, वही तो, गुस्सा तो सबको आता है। हाँ। कुछ लोग काबू कर लेते हैं अपने गुस्से पर, कुछ नहीं कर पाते। वही तो कह रही हूँ, आजकल चीजें इतनी ऐसी हो चुकी है कि काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, तरीका होता है, जैसे मुझे बड़ा खतरनाक गुस्सा है मेरा, आ जाए तो मैं फौरन पाँव में बैठ जाता हूँ। गुस्सा क्यों नहीं आता? पाँव पड़ जाता हूँ, रोता हूँ, माफिया मांगता हूँ। कल भी ऐसी कीजिए, गुस्सा भी ठंडा, अगला भी ठंडा। 125 करोड़ देश का प्रधानमंत्री काम भी कर रहा है। बहुत आलम मोदी साहब। अच्छा, चलिए हीरा मानी को जवाब देने दीजिए। अवाम क्या सोचती है, कितने फीसद लोग हैं जो गुस्से पे काबू नहीं रख सकते? आई थिंक फिर मैं 70% बोलूंगी। 70%? हाँ। मतलब जिनको गुस्सा आता है 70% उस पे काबू नहीं रख पाते। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है, अब लग रहा है ना, अब आप कर लेती हैं अपने गुस्से पर काबू? अब कोशिश करती हूँ। ओके। हाँ। मियां पे काबू कर लिया है तो गुस्सा क्या चीज़ है? मैं 30% कह रहा हूँ। तो चले जी, आप 70% कह रहा हूँ, ये 40 और मैं 70, आप दोनों का मिला के कह रही हो। ओके, तो मैं 70% पे ही रोक दूँ उसको, या थोड़ी खेल रही हूँ मैं, अभी आई हूँ। मुनासिब कर रहे, मुनासिब कर रहे थोड़ा। अच्छा, तो बताए ना आप। नहीं, मैं तो नहीं बता सकता ऑब्वियसली, बट 70 से 20 30-40 के दरमियान, 30-40 के 40 कर दे। हाँ, कल मुझे, मैंने सुना आपने दो जवाब महवेश को भी दिए थे जो वो गलत हो गए थे, तो हाँ, चलिए जी, मैं इसको लॉक करता हूँ। रोक दीजिए 40% पे। चले 40%? हाँ, 40%। इज दैट योर आंसर? मेरा आंसर नहीं, आपका आंसर होना है। आपने खुद 40%, आपने कहा 30-40, तो मैंने कहा 40। अच्छा, 30-40, हाँ 40%, एक बताना है। 40% पे जी, मैं इनका जवाब रोक दीजिए। अब देखना है कि 40% पर आवाम की क्या राय है, कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि अपने गुस्से पर काबू पाया नहीं जा सकता या वो काबू नहीं रख सकते। बताइए जी, आवाम क्या समझते हैं, आवाम क्या सोचते हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ ही देर में आ जाएगा। और ये 52% पे रुक गया है जाकर, 52%, विच इज नॉट बैड। 12% आप दूर है, 12% आप दूर है। 40 बोला था, इसने 30 बोला था। जवाब था वो आपका काफी ज्यादा दूर था, आपका जो टोटल है वो 164 हो चुका है, यानी कि 444 की रेस में। हम्बल प्ले करती हूँ ना मैं, लाइक
जरूरी है, थोड़ा इन बिटवीन भी रखो हैं आप, या तो बिल्कुल ही ऊपर या बिल्कुल ही नीचे, मतलब 70 से 20 आने में कोई टाइम नहीं लगाया इन्होंने। बस ये पाकिस्तान की टीम की तरह नहीं, एक दिन 300 अगले दिन 150 चले तो चांद तक, चले तो चांद तक वरना शाम तक। हाँ ये तो नहीं करेंगे शायद आप फिर याद आ रहे हैं आप लोग, अगर आपकी इजाजत हो अपने अगले सवाल, और अगला सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है और थोड़ा मुश्किल है। सही है, कितने फीसद लोग समझते हैं कि मुस्तफा कमाल पीएसपी के सबरा वजीर आजम बन सकते हैं? पाकिस्तान में कितने फीसद लोग समझते हैं? मानी वो तो 100% कह देंगे। अच्छा उनके दोस्त हैं, कितने फीसद लीडर हैं? लीडर हैं यार, कितने फीसद लोग समझते हैं कि मुस्तफा कमाल वजीर आजम बन सकते हैं? ये पाकिस्तान की आवाम की राय है और वजीर आजम बनने के लिए है, बनने के लिए है। हाँ। एक हिंट आपको दे दूं, जी दे, आवाम के अंदाज से आपने सोचना है, अपनी दिल की आवाज नहीं बतानी है। ओके ठीक है, सही है, आवाम से पूछा गया सवाल, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कितने फीसद? मुश्किल सवाल है, या तो लीडर को कुछ करने या आवाम की राय बता दे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पॉलिटिक्स का आपको पता ही होगा, आपने मेरे बारे में इतना कुछ पढ़ा लिखा है, पूरी आप बुक खत्म करके है मेरे बारे में, आपके बारे में छपी इतनी सारी, तो फिर इसीलिए तो ये कि आपको पता ही होगा, लेकिन चले मैं बता देती हूँ, आवाम के हिसाब से आई गेस 30% 30% तो 30% आपको लगता है कि पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि वजीर आजम बन सकते हैं? हाँ, ये मुझे लगता है आवाम, क्योंकि जिस तरह अगर आपका जवाब होता फिर, अगर मैं आपसे पूछता आपकी राय, क्योंकि हमारी आवाम जिनको वोट दे रही है वो अब तक उनके हाल तो आपने देख ही लिए ना, तो मुझे अभी भी ये लगता है कि वो 30% ही है। सही, हाँ ओके, और आपकी अगर राय होती पर्सनल तो क्या होती? हाय मुझे मुल्क का तो नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कराची को बहुत जरूरत है मुस्तफा भाई की, तो आप समझती है कि वो मुझे, मेरी ये फीलिंग है। हाँ तो आप समझती है 30% लॉक कर दूं? 30% पे लॉक कर दें, क्योंकि मैं पास्ट को अगर देख रही हूं तो आपको लगता है कि अवाम ने जहन बना लिया, 30% अवाम ने जहन बना लिया कि मुस्तफा कमाल साहब को वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। हाँ ओके इंटरेस्टिंग, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे कि हिरा मानी ने जो कहा है अवाम की राय उससे मिलती जुलती है या नहीं, तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जस्ट ए क्रिकेट व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल, और आज हमारी खास मेहमान है हिरा मानी जो कि हमारे साथ खेल रही है 500 की दौड़, और ब्रेक में जाने से पहले हमने इनसे सवाल पूछा था कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि मुस्तफा कमाल पीएसपी के सबरा वजीर आजम पाकिस्तान बन सकते हैं, और इनका जवाब था 30%, तो जरा जल्दी से दिखाइए कि अवाम की इस पर क्या राय है। अभी ब्रेक में मानी का फोन आया मेरे पास, वो कहता है हिरा अच्छा ये क्या सब, मैंने कहा बस मैंने मुझे जो समझ आया वो मैंने बोल दिया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा, एक तो मानी आपको हर दफा मेरे शो में ब्रेक में फोन करते हैं। हाँ वो अभी हाँ। भी आया उनका फोन तो। और इसी इशू पर, इशू भी यही होता है बिल्कुल। चले जी दिखाइए कहाँ रुकता है जाकर ये मीटर। अच्छा आप पीएसपी वाले मुस्तफा कमाल की बात, आप किस मुस्तफा कमाल? मैं मुस्तफा कमाल अता तो समझ रहा था, वो तो 50% 8% पे बार रुका है, 8% पे। आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से कराची सेंट्रिक ज्यादा सोच रही थी, और मेरे ख्याल से वहां पे सोच रही थी तो 30% आपका जवाब दुरुस्त होता। हाँ शायद, बट अगर आप देखें पंजाब केपी उस अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर मेरे ख्याल से परसेंटेज नीचे गिर जाती है। चले सही है, एक बट इंशाल्लाह आपकी जो उम्मीद है कि कराची को दोस्त करने के लिए मुस्तफा कमाल जो है कोई कलीदी रोल प्ले कर सकते हैं, हर पाकिस्तानी हर कराची वाला तो खास तौर पे ये जानता है, ये सोचता है और चाहता भी है, चाहता भी है। तो 22 नंबर आपके सवाल में कट गए हैं और अब आप 78 नंबर लेंगी इस सवाल पे, यानी कि आप 200 तो क्रॉस कर चुकी हैं, एग्जैक्ट स्कोर है 242 आपका हो चुका है, तो अब आपको अगले दो सवाल में अगर पर्चा पास करना है तो आपकी हेल्प की जरूरत होगी, सिकू भाई ने तो मरवा दिया टोकरी बिल्कुल, उन्होंने हैंड्स अप कर दिया। ये देखिए कल महवेश याद की बड़ी हेल्प की उन्होंने, कार में फुसर फुसर करके, मगर उन्होंने फुसर फुसर के इसके बाद उन्होंने पूछा ही नहीं है, पूछा ही नहीं उन्होंने। चलिए जी अब हमारे व्यूअर्स के लिए गो लूट लो लाया है 1,00,000 रुपए जीतने का मौका, आपकी स्क्रीन पे एक QR कोड है, अपने फोन से आप उसको स्कैन कर सकते हैं और 1,00,000 रुपए आप जीत सकते हैं।
गो लूट लो का ये नाम है आपके लिए, और गो लूट लो की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो QR कोड है, उसको आप अपने फोन से स्कैन करें और 1,00,000 रुपए जीत सकते हैं। मोदी साहब अगर आप भी करो करो करो, आज खुशियों का दिन है, कल रो रहे होंगे। देख लेंगे, जरा देख लेंगे। क्विकली मुझे सुनसर जरा बताइए कि आज दोनों मैचेस, क्योंकि आप लोग पहले भी कह रहे थे कि लो स्कोरिंग होंगे और आज ऐसे ही हुआ। साउथ अफ्रीका 119 पे आउट, बड़ा स्ट्रगल किया ऑस्ट्रेलिया ने चेस करते हुए, फिर वेस्ट इंडीज 55 पे आउट और वो भी ऐसा लग रहा था कि 4 विकेटें इंग्लैंड की गिर गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वेल आई गेस दूसरे मैच में जो वेस्ट इंडीज वाला हुआ उसमें तो आप There's nothing wrong with the pitch. मैं हम मैच we didn't feel anything कि कोई बहुत ही ज़्यादा lateral movement हुई हो या कोई बहुत ज़्यादा turning हो रही थी, ball turn भी नहीं कर रहा था, rash shot मारे, shot selection अच्छी नहीं थी। पहला मैच जो हुआ उसमें credit bowling को दोनों side को देना चाहिए कि उन्होंने condition को बड़ा अच्छा utilize किया, both Aussies bowler ने भी और South African bowler ने भी, इसलिए आपको एक क्लोज इनकाउंटर देखने को मिला। हालांकि 120 रन चेज करते थे बट वो भी आखिरी ओवर में जाके हुआ चेज, वो एक अच्छा मैच हुआ बट दूसरे मैच ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। आई मीन बट वो आप वेस्ट इंडीज से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या वो 200 करेंगे, पौने 200 करेंगे, या वो इसी तरह 100। काफ़ी एजेड टीम है उनकी, पोलार्ड, गेल, रामपाल वापस आ गए हैं। उन्होंने वही किया जो पाकिस्तान ने एक दो सीनियर खिलाड़ी डाल दिए कि शायद वो एक्सपीरियंस उनका काम आ जाए। उनके यहाँ भी डोमेस्टिक क्रिकेट का थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं, तो उन्होंने जो है उन्होंने भी पता नहीं ऐसे ऐसे लेके हैं जो सिंगल भी नहीं लेते। गेल तो सिंगल ही नहीं लेता। आज स्कोर करेगा या डॉट? पहला मैच हम लोग तो प्रोग्राम्स कर रहे थे, मैं पूरा नहीं देख सका, मगर सेकंड मैच पूरा देखा, पिच में कुछ नहीं था। इट्स बैड क्रिकेट, बैड क्रिकेट। लेट्स होप पाकिस्तान कल ये गलती ना करे और इंडिया से मुकाबला जीते। इस टीम में सुहेब भाई आपको क्या लगता है कि कौन है बंदा जो आपका फेवरेट है? देखिए हमारी पाकिस्तान टीम जो अभी पिच जैसे खेल रही थी ना, उसके हिसाब से हमारी बैटिंग को वो सूट करती है, क्योंकि टेक्निकल अच्छे बैट्समैन है हमारे पास। बाबर की आप बात करें, बाबर की टेक्निक अच्छी है, हफीज की भी टेक्निक अच्छी है, मलिक ही कैन स्टे ऑन द पिच, तो हमारे लिए ये अच्छी कंडीशन है, अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छे की उम्मीद रखते हैं। चौथे सवाल पर आते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मोदी साहब भी बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन जरा मुल्क के हालात और लोगों का जो इस वक्त माइंडसेट है वो सोच के जवाब दीजिएगा। कितने फीसद लोगों का ख्याल है कि बॉलीवुड फिल्म्स पर पाबंदी खत्म होनी चाहिए, पाबंदी खत्म हो जानी चाहिए? इस वक्त जो लोगों का मासेस का अच्छा माइंडसेट है, दोनों मुमालिक के हालात देखते हुए एक आपको मैंने टिप दे दी, वो सोचते हुए आप जवाब दे सकते हैं कि कितने लोग समझते हैं पाबंदी खत्म होनी चाहिए, यानी कि वो लोग जो चाहते हैं कि बॉलीवुड पिक्चर्स दिखाई जाए। मैं तो क्या सीन है, मैं आप दे दिए जवाब, मैं तो कहता हूँ लगा दें पाबंदी, लगा दें पूछे लगाई हुई हमने, फिगर ना करें आप। हाँ तो आप पर भी पाबंदी, आप कैसे आ गए यहाँ? तो धमकी किसको दे रहे हो? आप लोग खुद इतनी बड़ी फिल्म में हो, आपको बॉलीवुड की क्या जरूरत है? कभी आप कहीं और जाते हुए लाहौर पहुंच जाते हैं, आज दुबई जाते हुए कराची पहुंच गए आप। अरे हीरा जी ने देखे हमारा साथ दिया, जिंदाबाद। अच्छा जिंदा है हीरा, जिंदा है। आंसर पे आ जाइए, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ओके लो नंबर्स होंगे, ये मैं आपको हिंट चल रहा हूं। ओके सुहेल भाई, थैंक यू। क्या बोले सुहेल साहब? मैंने कहा लो नंबर्स होंगे। अच्छा कितने फीसद लोगों का ख्याल है कि बॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि आनी चाहिए, यानी कि बॉलीवुड फिल्में आनी चाहिए? आई थिंक वाकई लो होगा ये, मुझे लगता है कि 20% होंगे खाली। 20% आपका जवाब है? चलें जी 20% पे इसको लॉक कर दें, 20% पे बार को रोक दिया जाए, यानी कि रोक सको तो रोक लो 20% पे, और फिर आपका जवाब देखा जाएगा कि अवाम के जवाब से कितना करीब है। 20% है आपका जवाब और मीटर रुकता ही नहीं है, पता नहीं आप कहते रोक सको तो रोक लो मेरे साथ, और अगर ये ऊपर गया ना तो मैं टेबल गिरा दूंगी। चलिए जी एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट, और हिना मानी आज हमारी मेहमान है, और हिना ने कहा था कि 20% लोग जो हैं वो समझते हैं कि बॉलीवुड फिल्म पर से बैन हट जाना चाहिए, यानी कि बॉलीवुड पिक्चर्स दिखानी चाहिए। 20% लोग ऐसे समझते हैं। आपका जवाब आवाम के जवाब से कितना करीब है देखते हैं जी। मीटर चलना शुरू हो चुका है और मीटर नीचे गया सफर पर, और अब देखते हैं कि ये रुकता कहां पर है। सुहेल तनवीर साहब ने कहा था बहुत कम परसेंटेज होगी, बहुत कम शरह होगी लोगों की जो ये समझते होंगे, तो देखते हैं ये बार आखिर में कहां जाके रुकता है। 20% हीरा का आंसर है, 27% पे जाके रुकता है। वेरी नाइस, वेल प्लेड। पहले ही अगर सुहेल साहब की सुन लेती तो आप शायद
जीत जाने में ज्यादा आगे होती है, लेकिन गुड आंसर 93% इस पे आपको मिले हैं, जिससे आपका जो टोटल है अब वो 335 हो चुका है, 335. गुड गुड, मजा आ रहा है, वेरी नाइस. अगर आप 100 नंबर भी लेंगी तो आप 435 तक पहुंचेंगी, यानी कि इंजमामुल हक को तो बीट करेंगी आप. अच्छा, ग्रेट. हाँ. इंजमाम बड़े कंपेटिटिव प्लेयर है और बड़ा अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन महविश से आप थोड़ा पीछे होंगे. पहला आंसर था ना मेरे ख्याल से, वो थोड़ा सा मरवा गया. वो जो मैंने बिल्कुल ही 70 बोल दिया वो था. आपने बहुत ज्यादा जी, मैं पहले मुझे टाइम लगता है ना समझने में. ये थोड़ा सा ट्रिकी गेम है कि आपको अपने लिहाज से नहीं सोचना है, आवाम के लिहाज से सोचना है. तो पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं कि इस वक्त मुकाबले में आप कहाँ पे हैं. कल दोबारा बुला लेना आप लोग मुझे. आप जो मोस्ट वेलकम, आप शो पे आ जाए, रोज आ मेरी जगह बैठ जाए. 444 आपका स्कोर बीट करना था आपने, 407 है इंजमाम का, 365 है, तो आप 335 तक जो है वो पहुंच चुकी हैं. चले जी, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम रह गया है. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितने फीसद लोगों ने फ्राइड पकौड़े और समोसे नहीं खाए, कभी भी नहीं खाए, कभी भी नहीं खाए. ओह, पाकिस्तान में नहीं खाए, कभी भी नहीं खाए. बहुत कम टाइम रह गया है, क्विक आंसर आप दे रहे हैं. पाकिस्तान के लिहाज से सोचे, हमारे तलने वाले खाने जो है वो फ्राइड खाने कितने फेमस हैं? I think 10%, 5%. 10% पे लॉक कर दूं? ऐसे होगा, 5 या 10. हां, 5%. डाइट कॉन्शियस भी तो होते हैं ना कुछ लोग. हां, लेकिन चुपके से खा ही लेते हैं. चुपके से तो खा लेते हैं. 5 या 10? 10. 10, चले 10% इनका जवाब है. हाँ. और ये बार जो है उसको रोक दिया जाए. हिरा मानी कह रही है कि 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी पकौड़े और समोसे नहीं खाए, फ्राई पकौड़े और समोसे नहीं खाए. 10% पे आपका जवाब रुक गया है. अब देखते हैं कि ये बार कहां पे जाके रुकता है. लेट्स सी. आहा, ऊपर से नीचे आ रहा है, जीरो की तरफ, और अब ये ऊपर गया. और 13% इज द राइट आंसर. यू वर वेरी क्लोज. 97 इस सवाल में 97% आपको मिले हैं और आपका टोटल है 432. और अभी मैं कितने बन गए मेरे पॉइंट्स? सवाल खत्म हो गए. नहीं, 432. ओ, और महवेश याद हो 444, मतलब सिर्फ 12% का फर्क था. ओ, वाह वाह वाह. एक और थोड़ा सा आंसर अच्छा होता है तो शायद आप उनसे आगे निकल जाती. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे उनसे आगे नहीं निकलना. मेरे हिसाब से चलती तो 480 पे थी. तो मेरे बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं आपके साथ जिस दिन हमने गेम खेलना है फिर देखेंगे. जब प्रेशर होता है ना हॉट सीट का, वो एक डिफरेंट होता है. बट वेरी वेल प्लेड. थैंक यू. और आप ये टॉप ऑफ द लीडर आ सकती थी क्योंकि जो पूरे सीजन में टॉप ऑफ द लिस्ट होगा उसको एक स्पेशल इनाम दिया जाएगा. तो इनाम तो महवेश ले गाड़ी, आपको तो नहीं मिला. कोई बात नहीं, अगर महवेश जीत गई तो आप उनसे पूछ लेगा क्या मिला. अच्छा चले ठीक है. बट वेरी वेल प्लेड. थैंक यू शिजाद. पहले सवाल में आपने थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट गुड कमबैक. थैंक यू. होपफुली अगर कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किल में हो तो इसी तरह का कमबैक करे. शहजाद, आपने ये बात भी याद रखनी, आपके 30 शोज हो जाएंगे जी, एक गाड़ी आपको मेरी तरफ से भी गिफ्ट होगी. मैं क्यों लूंगा आपसे गाड़ी? नहीं, तोहफा तो कोई भी दे सकता है ना. पूछोगे नहीं कौन सी? कौन सी? ये अल्लाह मोदी साहब, कल जो आपके साथ होने वाला है तो सोच कर नहीं, जब आपकी टीम हारेगी तो आपको पता चलेगा. चले, बहुत शुक्रिया. दुबई जाते जाते आप कराची आए. पाकिस्तान जीतेगा यार, जीतेगा. गट फीलिंग यही आपकी? सिकु भाई, जीतना चाहिए यार, मस्ट है, जीतना चाहिए. सोए साहब, ऑफ कोर्स पाकिस्तान. पाकिस्तान गट फीलिंग भी आपकी है या गट फीलिंग? सब मतलब जहां इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है वहां पाकिस्तान मस्ट है. बाबर आजम मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं भाई, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं. कौन आपकी फेवरेट क्रिकेटर? बाबर आजम. तो होपफुली बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करे. आप सेकंड पे हैं. कोई बात नहीं, मैं खुश हूं. मुश्ताक को तो हरा दिया उन्होंने, मुश्ताक को हरा दिया, इंजमान साहब को भी हरा दिया उन्होंने. अरे वाह, तो चलें जी, वेरी वेल प्लेड. कैसे हो गया अचानक से? ये बड़े आखिरी दो सवाल के बड़े अच्छे जवाब दिए. 90% और 97% आपका आंसर था. बट थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपने ज्वाइन किया हिरा. थैंक यू वेरी मच. पिछले सीजन में भी आप हमारे साथ ही, उम्मीद करते हैं हर शो पे हर सीजन में आप हमारे साथ होंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. शो देखने का बहुत शुक्रिया. कल आपसे मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं जब मुलाकात हो तो पाकिस्तान वो मैच जीत चुका हो इंशाल्लाह.